हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी कोई कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो हमारे झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, हम सबों को जानना बड़ी आवश्यक है। जैसा आप सभी को यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, सिपाही से IPS तक की कहानी। और ये है जिसका आप फोटो देख रहे हैं, वो है हमारे देश की एथलीट जो झारखंड की रहने वाली है, लातेहार जिला की, जिसका नाम है सरोजनी लकड़ा। वो एथलीट है और वो स्पोर्ट्स कोटा से सिपाही में भर्ती ली थी और वो अब वर्तमान में IPS बन चुकी है। और इसके जो IPS जो मिला है वो आपका इसी महीना मतलब 24 तारीख को इसको IPS मतलब दिया गया, IPS का दर्जा दिया गया सरोजनी लकड़ा जी को। तो आज हम उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सरोजनी लकड़ा के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं कि सिपाही से IPS तक का सफ़र, जैसा मैंने अभी बताया कि वो झारखंड की रहने वाली है और झारखंड से दो आदिवासी महिला जिसमें सरोजनी लकड़ा और एमेल्डा एक्का, ठीक है, ये दोनों को IPS का दर्जा दिया गया है, IPS बना दिया गया है और वो उन्होंने ये सफलता का मुकाम हासिल किया है। और जो दोनों ने कल्पना से परे था, मतलब वो सब सोची ही नहीं थी कि वो इतने उच्च पद तक वो पहुंच सकती है, ठीक है। और ये जो सरोजनी लकड़ा जी है वो दिसंबर 1986 में स्पोर्ट्स कोटा से सिपाही पद पर बहाल हुई थी। और इसी के बावजूद मतलब जितना भी सरोजनी लकड़ा जो सिपाही पद पर बहाल हुई, लेकिन विपरीत परिस्थिति उनके जीवन में थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो सफलता की सीढ़ी तक चढ़ती गई। तो इसी की कहानी है IPS सरोजनी लकड़ा जी के बारे में। तो आप लोग जरूर जरूर आज की इस वीडियो को पूरा देखिए और सरोजनी लकड़ा के बारे में जानने का प्रयास कीजिए और वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो एक सिपाही थी और सिपाही से अपनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद वो इतनी बड़ी मुकाम तक पहुंची है, इसलिए हम सबों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका जो ये जीवन था, सरोजनी लकड़ा का जी का जीवन था, जब पढ़ाई वो कर रही थी उसी वक्त से उनका जो लगाव था वो खेलों के प्रति काफ़ी अधिक था, ठीक है। जैसा मैंने आप सबों को बताया कि वो लातेहार जिला की रहने वाली है और वो महुआ डाड़ नामक जगह, लातेहार में महुआ डाड़ है, वहीं की वो रहने वाली है। और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई की है वो संत तेरेजा हाई स्कूल से की है और वहीं पे संत तेरेजा हाई स्कूल का जो एथलेटिक्स सेंटर है वहीं पे उन्होंने अपना दाखिला लिया था, ठीक है। वहीं पे एथलेटिक्स की जो ट्रेनिंग होती है वहीं पे उन्होंने अपना दाखिला लिया। इसके बाद वो ट्रैक फील्ड में 1984 ईस्वी में पदक लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। 1984 ईस्वी से वो पदक लेना शुरू कर दी थी और वो बेहतरीन जेवलिन थ्रोवर भी रही है, ठीक है। और एथलीट के अलावा जेवलिन थ्रो से जुड़ी उनकी कहानी भी बेहद रोचक है। जो सरोजनी लकड़ा जी है वो ट्रैक पर जिस रफ्तार से दौड़ती थी और इसी रफ्तार से जिस रफ्तार से वो दौड़ती थी उसी रफ्तार से उनका प्रमोशन भी मिलता गया। जब वो ज्वाइन की सिपाही पद पे तो धीरे धीरे उसका जो प्रमोशन होता है वो जल्द तेजी के साथ जो प्रमोशन होने लगा, क्योंकि और उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन IPS अफसर भी बन सकती है। लेकिन 19 जुलाई की शाम को जब किसी ने फ़ोन पर 24 पदाधिकारियों की IPS में प्रोन्नति की बात बताई तो उनको जुबान से मतलब सरोजनी लकड़ा के जुबान से सिर्फ यही बात निकला, क्या निकला, यही निकला कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि वो अब IPS बन चुकी है और वो सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन अब उनका कहना था जब उनको पता चला कि उसका प्रोन्नति हो चुका है और वो अब IPS है तो वो अब उनका शब्द था अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हासिल की सफलता की ये मुकाम, मतलब सिपाही से IPS तक वो कैसे पहुंची, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
जैसे आप सबों को पता चल चुका है कि वो जब सिपाही बनी थी तो वो स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से बनी थी और 1986 ईस्वी में वो सिपाही बन गई थी। ज्वाइनिंग के 2 माह के भीतर ही, ठीक है, ज्वाइन की उसके 2 महीना के भीतर ही फरवरी 1987 ईस्वी में आउट ऑफ टर्न AASI भी बन चुकी थी। ठीक है, फिर 1989 में सब इंस्पेक्टर बनी, मतलब SI बन चुकी, ठीक है, SI बन गई। फिर इसके बाद 2008 में DSP बन गई, जुलाई 2014 में सीनियर DSP बन गई, 2019 में ASP बन गई। ठीक है, उन्होंने एथलीट की भूमिका निभाते हुए, मतलब वो जब अपना सेवा दे रही है, मतलब सर्विस सेक्टर में, तो साथ ही साथ वो खेल भी रही थी, ठीक है, और उन्होंने खेल के दौरान ही, जब वो एथलीट थी, एथलीट की भूमिका निभा रही थी, वही इसमें उन्होंने स्नातक की भी पढ़ाई उन्होंने पूरी की, ठीक है, और साथ ही साथ कई तरह के डिप्लोमा भी हासिल किया। उन्होंने बताया कि मेरा हॉबी पढ़ाई है, जब मैं सिपाही बनी उस दौर में महिला के लिए इस जॉब को अलग नज़र से देखते थे, मुझे अलग सेक्टर में जाने के सुझाव दिए जाते थे, इसके बावजूद मैं अपने कमिटमेंट के पीछे नहीं हटी। जैसा आप सभी को पता है, जब उस वक्त की बात है, ये 1986 की बात है, तो उस वक्त हमारा जो देश का जो मानसिकता था उतना हाई नहीं था। हम लोग के जो 1986 में हमारा जो सोच था वो काफ़ी नीचा था कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के साथ काम नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत सारी धारणाएं थी, नेगेटिव धारणाएं थी। लेकिन इसके बावजूद वो जो सरोजनी लकड़ा जी हैं, वो भी अपने जो कमिटमेंट की थी कि नहीं, मुझे इस कार्य को करना है, जो मुझे मिला है मैं उसे करूँगी, उसी कमिटमेंट के साथ ही वो आगे बढ़ती गई और इस बड़े मुकाम तक वो अब पहुंच चुकी है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कैसे जैवलिन थ्रो में उन्होंने पहला पदक दिलाया था। जो है, जो एथलीट सरोजनी लकड़ा है, उन्होंने बताया कि स्कूल की ओर से राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 1984 में दिल्ली में भागीदार हुई थी। उस वक्त जैवलिन में किसी की भागीदारी नहीं होने की वजह से सरोजनी को बैम्बू जैवलिन थ्रो फेंकने की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, उसमें मतलब भागीदारी उतनी नहीं थी जैवलिन में, लेकिन फिर भी जैवलिन में उनको बैम्बू जो होता है, बांस का जैवलिन होता है, उसको फेंकने की जिम्मेदारी दी गई और यह जिम्मेदारी कल्पना से परी थी। इसके बावजूद सरोजनी ने बैम्बू जैवलिन फेंका और पहले झटके में ही सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मतलब वो पहली बार, मतलब जैवलिन जो बम्बू जैवलिन जो होता है उसको वो पहली बार ही फेंकी और पहली बार में ही उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, मतलब पहला मेडल उन्होंने 1984 में हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़के नहीं देखा, उसके बाद राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे 100 मीटर हर्डल, 100 और 400 मीटर रिले, लॉन्ग जंप, हाई जंप समेत कई इवेंट में मेडल बटोरे थे। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि जो सरोजनी लकड़ा जी है वो सिर्फ कोई एक इवेंट के लिए नहीं थी, वो हर एक तरह के इवेंट में वो भागीदारी देती थी। जैसा उनको यहाँ पे दिखाया गया कि वो जैवलिन खेलती थी, जैवलिन फेंकने का भी काम किया उन्होंने, यहाँ पे 100 मीटर हर्डल, 100 और 400 मीटर रिले, लॉन्ग जंप, हाई जंप, मतलब हर एक तरह के एथलेटिक्स, जितने भी इवेंट होते हैं एथलेटिक्स में, सारे के सारे इवेंट में वो भाग लेती थी और उनमें मेडल भी प्राप्त करती थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और खेल जगत में अगर देखा जाए तो इतना ऑलराउंडर बहुत ही कम होते हैं। वहाँ पर हमारी सरोजनी लकड़ा जी है, वो ऑलराउंडर खिलाड़ी थी, वो हर एक तरह की खेल को खेलती थी और उस पर अपना 100% देती थी और वो मेडल भी जरूर से जरूर लाती थी। ये एक कहा जाए एक उदाहरण है, बहुत ही कम देखने को ऐसा मिलता है। और उन्होंने ये भी कहा कि खेल के साथ शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हम लोगों को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, जैसे अगर सरोजनी लकड़ा अगर खेल पे ही फोकस रहती
तो वो अभी वर्तमान में सिर्फ एक खिलाड़ी ही बनी रहती, ठीक है, लेकिन वो खेल के साथ वो शिक्षा हासिल की और वो अब वर्तमान में क्या है आप सबों के सामने है, ठीक है, ये बताने की ज़रूरत अब नहीं है। और उन्होंने यही कहा कि जो राज्य सरकार की खेल नीति के बदौलत स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे युवाओं के लिए आगे बढ़ने का भरपूर मौका है। जैसे आप सबों को पता है कि राज्य सरकार की ओर से भी कई तरह की खेल नीति बनाई गई है, ठीक है, तो मैं खेल नीति पे भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का, ठीक है। तो उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने स्पोर्ट्स कोटा से सिपाही से IPS बनने का मुकाम हासिल किया। साथ ही उन्होंने सलाह दिया कि खेल के मैदान आप जरूर थक सकते हैं लेकिन दिमाग कभी नहीं थकता, इसलिए खेल के साथ पढ़ाई भी उतनी जरूरी है, ठीक है, उन्होंने खुद कहा है, क्योंकि वो खुद क्या है वो स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुकी है, ठीक है। जब वो सिपाही बनी तो उस समय उतना उनका क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन उनका हमने स्लाइड में देखा कि उनका हॉबी क्या था, पढ़ाई था, और उन्होंने पढ़ाई क्षेत्र को में भी अपना ध्यान दिया और अब वो वर्तमान में DSP बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सरोजनी लकड़ा के बारे में, और आपको मैं बताते चलूँ 24 ऑफिसर हैं जिनको IPS का ये मिला है, IPS पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है, 24, जिनमें से दो जो हैं वो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, ठीक है, ST है, तो उनमें से कौन कौन है, सरोजनी लकड़ा है और एमएलडा एका है, तो ये चीज़ जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज का वीडियो में मैंने सरोजनी लकड़ा के बारे में बताया, और मैं कल का जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपका एमएलडा एका के बारे में होगा, ठीक है। तो आज हमने जाना सरोजनी लकड़ा के बारे में, ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मोटिवेशन देने वाला वीडियो है, ठीक है, तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से थी और उन्होंने अपने विपरीत परिस्थिति में रहकर इतना ऊंचा मुकाम तक पहुंचा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का भी ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।